आदित्य कुंटे, आदित्य हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, कुंटे, कल कितने मार्क्स बेटा टेस्ट में तेरे, मैथ्स में? मैथ्स में 48। क्यों, मैथ्स में 48 क्यों बन नहीं रहे थे मैथ्स में? सर पेपर मैथ्स का थोड़ा लेट चालू हो गया था। फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया था और मैथ्स के लिए बस 50 मिनट से बचे थे और दिमाग इंटीग्रेशन खराब के है, कुछ कुछ मतलब जल्दी नहीं बन रहे थे तो उसमें टाइम लग गया। क्या पेपर एनालाइज किया, सॉल्यूशन देखा, हाँ सर, सबका देखा। पेपर टफ था मैथ्स का? मीडियम था सर। फिर करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, 70 मार्क्स आने चाहिए थे मैथ्स में। इतनी मेहनत का फायदा क्या है अगर तेरे 60-70 मार्क्स नहीं आते मैथ्स में, तो क्या फायदा है? सिंपल पेपर था तेरे लिए, बिल्कुल सिंपल पेपर था, तेरे को कुछ करना ही नहीं था तेरे को। हाँ यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब शिवाली तुम्हारे कितने हैं मैथ्स में मार्क्स, सर कितने? 56। हेलो, तुम्हें डाउट ही नहीं आता मैथ्स में, तुम कहती हो तो मैथ्स में मार्क्स कम है, क्यों तुम्हारे मार्क्स कम क्यों मैथ्स में? सर थोड़ा टाइम लग रहा था सॉल्व करने के लिए। स्टेट बोर्ड का होमवर्क किया है ना तुमने अच्छे से ईमानदारी से, फिर टाइम कैसे लग रहा था? चीजें बिल्कुल पकड़ में नहीं है क्या? अपन ने एनसीईआरटी भी किया है फिर भी टाइम लग रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? धनंजय तेरे मैथ्स में तेरे पूरे मार्क्स कितने हैं? शिवाली पूरे मार्क्स तीनों मिला के 192। 192, ठीक है। धनंजय तुम्हारे तुम्हारे फिजिक्स में कितने हैं शिवाली? फिजिक्स 59, केमिस्ट्री 77। बढ़िया, ठीक है। धनंजय तेरे सर मैथ्स में 71 और टोटल 211। मैथ्स में, यार दुखी हो गया मैथ्स में तो मार्क्स देखते हुए। ओम व्याकुल तेरे मैथ्स में कितने हैं? प्रतीक 70। तेरे, प्रतीक राज, प्रतीक राज सैयद तेरे कितने मैथ्स में, सर 52। क्यों कम क्यों तेरे? सर मेरे नेगेटिव में चले गए। कैसे, मैथ्स में तो ऑप्शन मैंने फंसाए नहीं थे, ऐसे कि नेगेटिव चले जाएंगे? कितने हाँ अटेम्प्ट किए थे सर, मैथ्स में? थोड़ा वो मतलब स्पीड करने का ट्राई किया था तो गलत हो गया बीच बीच में। अच्छा मानस गुड़ी तेरे 70 70 है सर। अमित हाँ सर, तेरे कितने हैं? सर 73। प्रतीक राज कहाँ है, जवाब नहीं देता है, क्लास में नहीं है क्या वो? कोई देख, कोई बता सकता है प्रतीक राज क्लास में है कि नहीं है? और लोग क्या अचार डाल रहे हैं, लोग अभी क्लास में नहीं आए हैं, वो क्लास में नहीं है प्रतीक राज, अजीब ही इंसान हो चुका है वो तो। सबको मैं इनविटेशन देते रहूं क्या बैठ के? सैयद आइडिया है क्या प्रतीक राज क्लास में क्यों नहीं है? आज ही नहीं, बहुत दिन से नहीं आ रहा है। सर आज ही नहीं है, पहले था। दुबे तेरे कितने हैं मैथ्स में? 83। एक और था ना यार, नाम भूल गया, नाम ही भूल जाना धीरे में सबका है, क्लास से छूटती जाएंगी चीजें तो। यार आए थे दुबे के सवाई, एक और बच्चा था ना यार, अरे अरे किसकी मम्मी पढ़ाती है सेंट जोसेफ में, क्या नाम है? साईं सुरचन। हाँ
कहाँ है साई सुजन? साई सुजन हाँ सर, कितने हैं सर? 54. ठीक है, मेरे ख्याल से मैथ्स में 70 मार्क्स आने चाहिए सबके, मतलब मुझे ऐसा लगता है इतना इंटीग्रेशन कराने के बाद अगर 70 मार्क्स नहीं आते ना आदित्य कुंटे तो मन में दुखी हो जाता है बस, और कुछ नहीं. मतलब बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाया इंटीग्रेशन और कराया यार, अच्छे क्वेश्चन कराए, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो गया. चलो ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं अपन, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते अपन, हिम्मत नहीं हारेंगे, पर थोड़ा सा मतलब है कि होना चाहिए. चलो एनीवेज, हम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? तो तुम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? हर्षदा, लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? सर वो मोनोटोनोसिटी खत्म किया था और उसके बाद आपने कुछ तो चालू किया था और बोले कितने हैं? मैथ्स मार्क्स कितने हैं? 49. बहुत कम नहीं है बेटा आपके हिसाब से? हाँ, क्या हो गया बेटा? एक ही घंटा दिया था तो फिर मेरे हुए नहीं ज्यादा. और बाकी मिला कितने हैं आपके? बाकी आपके कितने मिला के हैं? टोटल 112 है. बाकी में तो और भी कम हो गए ना. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ में नहीं जाते हैं, स्टेटमेंट्स में काम करते हैं. ठीक है, ठीक है. लास्ट क्लास में जो लिखा था ना उस पर आप एक चीज़ लिखिए, इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट सी, इफ एफ डैस सी एग्जिस्ट्स, इफ एफ डैस सी एग्जिस्ट्स, इफ एफ डैस सी एग्जिस्ट्स, अगर एफ डैश सी एग्जिस्ट देन देर एग्जिस्ट इंटरवल, देन देर एग्जिस्ट इंटरवल सी माइनस एच से सी प्लस एच, देन देर एग्जिस्ट इंटरवल सी माइनस एच से सी प्लस एच, देन देर एग्जिस्ट इंटरवल सी माइनस एच से सी प्लस एच, इन विच एफ डैश मेंटेन्स इट्स साइन, इन विच एफ डैश maintains its sign. मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर फंक्शन एक पॉइंट पर डेरिवेबल है, अगर फंक्शन एक पॉइंट पर डेरिवेबल है तो उस पॉइंट के आसपास एक इंटरवल ऐसा मिलेगा जहां पे कि जो डेरिवेटिव का साइन है वो सेम एज क्या रहेगा, एफ डैश सी रहेगा. मतलब मैं ये मीन करता हूं कि एक फंक्शन जो होता है एफ डैश सी वो अपनी डेरिवेबिलिटी जो है वो सडन चेंज नहीं हो सकती है. अगर एक फंक्शन सी पर डेरिवेबल है तो उसके अबाउट एक इंटरवल चाहे कितना भी छोटा हो वो वैसा मिलेगा जहां पे एफ डैश अपनी साइन को मेंटेन करेगा. आप लिख लेना इस लाइन को, मेंटेनेबिलिटी ऑफ साइन ऑफ एफ डैश, मेंटेनेबिलिटी ऑफ साइन ऑफ एफ डैश. ये बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसे सोचो ना, बस सिंपल सी चीज कि अगर एक फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है सी पे तो जो डेरिवेटिव है वो सी के अबाउट एक इंटरवल में अपना साइन मेंटेन करता है. सर एक वो सी के सर हिंदी में आप क्या बोले एक बार रिपीट. हाँ, इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट सी, इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट सी दैट मींस क्या, एफ डैश सी एग्जिस्ट. ओके, सो इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट it means that c ke about there is a interval c minus h say c plus h in which f dash maintains its signs, chahe kitna bhi chhota interval hoga but ek interval milega jisme f dash ka sign same rahega jo ki
सी पे है, मतलब आई जस्ट मीन टू से देयर कैनॉट बी एब्रप्ट चेंजेस इन द साइन ऑफ डेरिवेटिव्स, देयर कैनॉट बी एब्रप्ट चेंजेस इन द साइन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। देयर कैनॉट बी एब्रप्ट चेंजेस इन There cannot be abrupt changes in the sign of derivatives. मतलब अगर एक पॉइंट पर अगर पॉजिटिव है तो उसके आजू बाजू एक पॉइंट मिलेगा जहां पर कि उसके आजू बाजू एक इंटरवल मिलेगा जहां पर कि f dash ने अपना साइन मेंटेन किया है, जहां पर कि अपना साइन f dash ने मेंटेन किया है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो उसी में। If f dash c exists, if f dash c exists, then obviously you will have an interval about c, in which function remains derivable. अगर f dash c exists, then there will be an interval about c, c minus h, say c plus h, in which the function will remain derivable. Again, मतलब same है, derivability cannot change abruptly. अरे ये दो चीज समझ में आती है क्या? ये बिल्कुल, मैंने जो स्टेटमेंट दे दिया है कि f डैश जो रहेगा वो अगर f डैश c एग्जिस्ट कर रहा है तो वो c के अबाउट एक इंटरवल मिलेगा जहां पर कि उसका साइन कोई ना कोई एक इंटरवल मिलेगा उस पॉइंट के अबाउट जहां पर उसका साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब देयर कैन नॉट बी एब्रप्ट चेंजेस इन द साइन ऑफ डेरिवेटिव्स, there cannot be abrupt changes in the sign of derivatives. ये बात चमकती है? यहां तक absolutely clear है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। उस दिन मैंने interval में तो हमने बात कर ही लिया था ना, लास्ट में आई थिंक हम लोग पॉइंट्स पे बात किया था ना, हर पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, वही बात कर रहे थे ना हम लोग, एक पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, हम लोग वही बात करने का प्रयास कर रहे थे ना, है ना। तो एक पॉइंट अगर मैं लेता हूँ सिस्टम का, मान लो मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया, तो ए पे फंक्शन क्या क्या हो सकता है बताओ। आई थिंक उस दिन ये लिखा था मैंने, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। फिर क्या हो सकता है? ओनली कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। और क्या हो सकता है? नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस, ये तीन पॉसिबिलिटीज है वहां पे, है ना। तो अपन पहले सिंपल केस में आते हैं इस वाले पे, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो तुमको f डैश a के बारे में मालूम चला, अगर f डैश a अगर पॉजिटिव है, f डैश a पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब मालूम चला? अगर f डैश a पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है बताओ, बोलो। अगर f डैश a पॉजिटिव है, f डैश a नेगेटिव है और f डैश a जीरो है, ठीक है, मुझे बताओ अगर f डैश a पॉजिटिव है इसका क्या मतलब मालूम चला अभी हमको आज? f डैश a पॉजिटिव है तो क्या हो गया बोलो? f of a plus पॉजिटिव रहेगा। वो तो हो ही गया, f डैश a पॉजिटिव है तो हमको मालूम चल गया ना कि अगर a पे पॉजिटिव है डेरिवेटिव, इसका मतलब उसके आगे भी पॉजिटिव और उसके पीछे भी पॉजिटिव है, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? SMI हो गया ना सीधा। मतलब अगर f डैश a पॉजिटिव है तो हमने क्या सीखा, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था एक बार, कि एक साइन पे पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, कि वो उसके आगे से पॉजिटिव, उसके आगे से वो छोटा है और उसके पीछे से बड़ा है। अब हमने एक और चीज सीख ली।
कि अगर एफ डैश ए तुम्हारा पॉजिटिव, अगर एफ डैश जो होता है वो एक इंटरवल में अपना साइन मेंटेन करता है छोटे से इंटरवल में, तो अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ वहां पे फंक्शन कैसा हो गया बोलो एस एम आई, अगर एफ डैश ए नेगेटिव है तो क्या होगा, हेलो अगर एफ डैश ए नेगेटिव है तो क्या होगा बोलो भाई, एसएमडी ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एफ डैश ए जीरो है तो क्या होगा, एफ डैश ए जीरो है तो अब बताओ क्या क्या हो सकता है, अगर एफ डैश ए जीरो है तो क्या वहां पे एसएमआई एसएमडी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, कैसे बताओ, एफ डैश ए जीरो है तो बताओ हाउ टू कमेंट, न्यूमरेटर ग्रेटर पावर का रहेगा तो फिर हो सकता, नहीं नहीं वो तो ठीक है, एफ डैश ए जीरो हो गया, नाउ हाउ टू कमेंट फर्दर, एफ डैश ए जीरो हो गया अब क्या कमेंट कर सकते हो बताओ, एफ डैश ए जीरो हो गया ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ए माइनस एच से ए में एफ डैश ए जीरो है ठीक है, एफ डैश ए जीरो है फाइन, और एफ डैश ए जीरो है तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते ना कि आगे से बड़ा है कि पीछे छोटा है, अपन कुछ नहीं बोल सकते मानते हो, अच्छा अब बताओ एफ डैश ए जीरो है ठीक है, मैं ध्यान देना बोर्ड पे, एफ डैश ए जीरो है और a माइनस एच से a में मान लो इंक्रीजिंग, एफ ए माइनस एच से a में मान लो इंक्रीजिंग है एंड बोर्ड दिख रहा है ना, एंड a से a प्लस एच में इंक्रीजिंग है तो अब बोलो क्या बोल सकते हो, सोच के बताओ, एफ डैश ए पॉजिटिव है ठीक है, देखो मैं तुमको बता रहा हूं, देखो एफ डैश ए जीरो है ठीक है, मैं एक काम करता हूं ना, मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूं, सोच के ध्यान देना बस ठीक है, a माइनस एच से a के इंटरवल में मैं ये साइन का टेबल बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं साइन का, किसके साइन का, एफ डैश के साइन का ठीक है, बताओ मुझे एफ डैश का साइन क्या टेबल बना रहा हूं मैं, एफ डैश के साइन का बोलो, अगर मान लो एफ डैश का साइन का बनाया मैंने टेबल ठीक है, हाँ बोलो, एफ डैश मान लो पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो क्या होगा, एम आई नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, सब लोग सोच नहीं पा रहे हैं ठीक है, ए माइनस एच से ए में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं ताकि ऊपर के बाद में कर लेंगे पर कोई बड़ी बात नहीं है, जगह नहीं है बोर्ड पे, ए से ए प्लस एच में ठीक है, और ये एफ डैश रहा ठीक है बॉस, एफ डैश यहाँ पे पॉजिटिव है, एफ डैश यहाँ पे पॉजिटिव है, बताओ क्या मतलब हुआ, सोच के बताओ, थिंक ग्राफिकली हाँ भाई बोलो क्या मतलब हुआ, अगर a माइनस एस से a में f डैश पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ है? बोलो, फंक्शन तो इंक्रीज किया है ना, अरे आपको और ये बीच में खाली डॉट दिख रहा नहीं दिख रहा है आपको, बीच में ये खाली डॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, A से A प्लस एच में भी एफ डैश पॉजिटिव है ना, तो बताओ वापस से फंक्शन क्या किया है, इंक्रीज किया है, अब भाई फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है ना, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है यहां से यहां ग्राफ गया यहां से यहां ग्राफ गया, जो दूसरा पॉइंट है वो कहां भरना पड़ेगा मजबूरी में, आपका एफ ऑफ ए कहां भरा जाएगा बताइए, अपना एफ ऑफ ए यही भरना पड़ेगा ना हमको, ये बात समझ में आती है, हमको मजबूरी में एफ ऑफ ए यही भरना पड़ जाएगा ना, तो जो ही यहां भरे क्या मालूम चाहिए, देखो यहां से यहां बढ़ के पहुंचे हो और उसके आगे फिर बढ़ के पहुंचे हो, ऑब्वियसली आपको ग्राफ से फील आ रही है ना भाई, जब कंटिन्यूअस डेरिवेबल हो जाता है हमको मालूम है ना हमेशा ये क्या चीज होल्ड करती है हमेशा, बताओ एफ ऑफ ए जो होता है वो क्या हो जाता है बताओ, एफ ऑफ ए प्लस और क्या हो जाता है एफ ऑफ ए माइनस, ये हो जाता है ना हमेशा जब कंटिन्यूअस रहता है, तो इसीलिए तो अपन पॉइंट से चेक नहीं कर पाते हैं, अरे यहां तक क्लियर है, खाली सर्कल कैसे भर दिया मैंने, हाउ हैव आई फिल्ड द ओपन सर्कल, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, हां सर, भाई फंक्शन यहां से यहां बढ़ा, ये आपका ए माइनस एस से लेके फंक्शन ए तक बढ़ा और ए से ए प्लस एस तक लेके बढ़ा, तो ए पे जो वैल्यू होगी कंटिन्यूअस है तो बीच में भरना पड़ेगा ना उसको, अगर ये मान लो ये पॉजिटिव है सॉरी अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो क्या होगा, MD. अगर ये इसको हटाई देते ना अपन अच्छे से ना,
अगर ये थोड़ा इसको ढंग से कर, जगह कम है बोर्ड पे तो फाइन, आपने कॉपी जो आप ढंग से करिएगा, एफ डे से जीरो है ना, मैंने पहले टेबल बनाया ठीक है, तो मेरा टेबल कैसा है जी, ए माइनस एच से ए में और ए से ए प्लस, ध्यान दीजिएगा ठीक है, और ये आपका है एफ डैश का साइन, एफ डैश पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है ठीक है। अरे हेलो, तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीज किया और फिर आपका इंक्रीज किया, क्योंकि क्या है कंटिन्यूअस है, यही भरा जाएगा ना सर्कल, ये बात चमकती है। हाँ सर, अगर मान लो दोनों ही निगेटिव निगेटिव है, क्या निगेटिव है, एफ डैश निगेटिव है ना, तो क्या होगा बोलो, अगर दोनों निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास बिहेवियर क्या आया पॉइंट का बताओ, हेलो एसएमआई आया ना, एसएमआई क्या आया, एसएमआई आया ना, एमआई तो एक पॉइंट पे तो एमआई होना चांस ही खत्म है, एक पॉइंट पे एमआई इज वेरी डिफिकल्ट, एमआई कैसे आ सकता है एक पॉइंट पे, जब आगे या पीछे में वैल्यू एक इंटरवल में सेम हो रही हो। देखो कैलकुलस को ना फिजिकली फील करो ग्राफ से, हाथ से बड़ा बड़ा के, यहाँ बताओ क्या होगा, दोनों घट रहे ना, अरे बाबा दोनों घट रहे ना, दिमाग लगाइए, दिमाग दिमाग दिया गया सबको, यहां से यहां घट रहा है, ये a माइनस एच है, a है और a प्लस एच तक फिर क्या घटा दिए, तो कंटिन्यूअस है ना, तो वैल्यू कहां भरनी पड़ेगी, यहां पर ही भरनी पड़ेगी। अरे ये बात चमकती है क्या, हाँ सर यहां तक क्लियर है ठीक है। अब बताओ अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अब बताओ क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, कैसे बताओ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है जी, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर, डिक्रीज कर रहा है ना, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। हेलो a माइनस एच से a प्लस एच, तो यहाँ पे घट बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, घट रहा है, और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव, तो आपका डॉट तो यही भरेगा, हाँ सर आपका डॉट तो यही भरेगा, मानते हो, हाँ सर, अरे हेलो हाँ या ना, हाँ सर ठीक है। अच्छा अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो मिनिमम, पक्का मिनिमा आएगा ना, कैसे बताओ, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आई से कुंटे, नेगेटिव का मतलब इंटरवल में क्या होता है बताओ, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटाओ और फिर क्या किए, बढ़ा दिए, तो अब ऑब्वियस ही बात है ना, क्या ऑब्वियस ही बात बोल रहा हूं मैं, ऑब्वियस ऑब्वियस क्या बोल रहा हूं, ऑब्वियस ऑब्वियस बताओ, हाँ कंटिन्यूअस है ना, वैल्यू भरोगे ना, अरे क्लियर है क्या, अरे बाबा ये क्लियर है, आपको समझ में आया कि एफ डैश ए जीरो होने पे क्या क्या हो सकता है, एफ डैश ए जीरो होने पे क्या क्या हो सकता है बताओ, क्या क्या हो सकता है भाई, एसएमआई, एसएमडी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये बात चमकती है क्या, हाँ सर, तो एफ डैश ए जीरो होना मैक्सिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, क्या है, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल है तो एफ डैश ए जीरो होना नेसेसरी है कि सफिशिएंट है, नेसेसरी, सफिशिएंट है कि नहीं है, नहीं, सफिशिएंट क्या है, उस पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, डेरिवेटिव का साइन चेंज होना, ये आपको ये पूरा चार्ट समझ में आता है क्या। अच्छा वापस से पूछूं एक क्वेश्चन, ये एफ डैश ए जीरो होने से कैसे एसएमआई हो गया बताओ, तो एफ डैश ए जीरो होने से एसएमआई कैसे हो गया बताओ, ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है तो पॉइंट भरेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। एफ डैश ए जीरो बोला है मैंने ना, एफ डैश ए जीरो है, एफ डैश ए जीरो से क्या इम्प्लीकेशन आता है, एफ डैश ए इम्प्लीकेशन आता है बताओ, आज बताया इसका, तो एफ डैश ए जीरो से क्या होता है, पिछली दो क्लास में क्या बताया था, एफ डैश ए जीरो से क्या होता है कि ए से ए प्लस एच में एफ ऑफ ए जो है
छोटा है ना, और a माइनस एच से a में f ऑफ a जो है बड़ा है, यही बताया था आपको। और आज क्या बताया मैंने कि अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डेरिवेबल है तो उसके अबाउट अपना साइन मेंटेन करेगा, मेंटेन करता है। तो f डैश a जीरो होने से क्या होता है, जब f डैश a जीरो होता है तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर f डैश a जीरो है दैट मींस क्या बोलो, दैट मींस व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि a माइनस एच से a प्लस एच का एक इंटरवल होगा जहां पर कि f डैश कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बताया ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो डेरिवेटिव होता है वो अपना साइन एब्रप्टली चेंज नहीं करता, नहीं करता है, बताया ना भी नहीं बताया थोड़ी देर पहले, बताइए। अरे हेलो, बताया था ना, नहीं बताया था भाई, बताया था, बताया था। कॉपी करो अच्छे से टेबल,
अरे कॉपी कर लिए? हेलो कॉपी कर ले क्या तुम लोग? क्या आयोन का भी सर्विस चल रहा है? खराब हो गया मैं तो खराब चल रहा तो थोड़ी उससे पढ़ा रहा हूँ मोबाइल डाटा से। तुम लोग का आयोन चल रहा है? काम सही कर रहा है अभी? हाँ सर। अरे क्या काम काम उठे में जान खा रखी है, रब करे क्या इसको। तो अभी हमने किस पे डिस्कस किया? एक पॉइंट ए पे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट क्या था अपना बताओ, जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉन डेरिवेबल है। नॉन डिफरेंशियल का मतलब एफ डैश है वहां पे, वहां पे एफ डैश है नहीं एग्जिस्ट करता, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो अगर एफ डैश एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप कैसे प्रोसीड करें बताओ, हाउ टू एनालाइज। आपको तो बेसिक आइडिया आ गया होगा ना अब तक, तो बताओ हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट बताइए क्या करें, बोलो बताओ बोलो कैसे करें। a माइनस एच से a में क्या देख सकते हैं? अब देखो बात ऐसी है, चूंकि कंटिन्यूअस है तो ये चीज तो मालूम है ना, ये हमेशा होल्ड कर जाएगी। क्या चीज? जो बेसिक इनइक्वालिटी थी वो तो हमेशा होल्ड कर जाएगी ना। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस। कुछ कमेंट भाई, जो बेसिक इनइक्वालिटी तो हम कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी वापस से किसमें जाना पड़ेगा? इंटरवल्स में आना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताओ? a माइनस एच से a और a से a प्लस एच में एफ डैश का साइन, अगर एफ डैश का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बोलो क्या होगा? थिंक एफ डैश ए का साइन अगर पॉजिटिव है, मान लो इंक्रीज कर रहा है, और अरे बोलो भाई क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये बनाया ग्राफ मैंने है ना, ये इंक्रीज किया और वापस इंक्रीज किया, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे यहाँ भरना पड़ेगा ना मुझे वैल्यू वापस से, ये बात चमकती है। तो अगेन क्या प्रूव हो गया बताओ? अपना जो बेसिक डेफिनेशन है इंक्रीजिंग का वो बार बार प्रूव हो रहा है ना। एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है बताओ? कि एफ डैश की क्या डेफिनेशन है बताओ? कि एफ ऑफ ए जो हो एक पॉइंट पे, अपना जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? एफ ऑफ ए जो हो एफ ऑफ ए प्लस छोटा हो और एफ ऑफ ए माइनस से बड़ा हो, एंड देयर एग्जिस्ट्स अ इंटरवल ए माइनस एच से ए प्लस एच, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा हो, यही है ना बेसिक डेफिनेशन। कंटिन्यूअस है ना इसलिए फिर से काम हो गया, ये बात चमकती है। अरे हाँ या ना, तो वापस से क्या हो गया बोलो? एस एम आई हो गया ना, एस एम डी में क्या हो जाएगा बताओ? वापस से एफ डैश लिखा बोलो, ए माइनस एच से ए और ए से ए प्लस एच, वापस से क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब फंक्शन क्या है? घट रहा है और फिर से क्या है? घट रहा है, ये बात चमकती है। लेकिन फंक्शन जो है वो कैसा है? लेकिन जो फंक्शन है वो कैसा है बताओ? कंटिन्यूअस है ना, तो वापस से यहां पर वैल्यू भरनी पड़ेगी, मजबूरी है ना भरने की, a माइनस एच से a और a प्लस एच, ये बात चमकती है। अगेन फंक्शन कैसा आ गया? SMD. अरे भाई अपना जो बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है ना, आप ग्राफ से देखने का ट्राई करो ना यार, आपको सेटिस्फाइड है कि नहीं बताओ? a माइनस एच से a प्लस एच में इंक्रीज डिक्रीजिंग है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर, ठीक है। वापस से मैं यहीं पे आ जाता हूं, अगर f डैश जो है तुम्हारा a माइनस एच से a में और a से a प्लस एच में मान लो पॉजिटिव है और निगेटिव है तो क्या होगा बताओ? मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट। हाँ मतलब ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है ना और फिर वो घट रहा है, लेकिन फंक्शन जो है कैसा है? नॉन डेरिवेबल है ना, लेकिन कैसा है? कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है? तो वापस ये डॉट भरना पड़ेगा, तो क्या आ गया? a माइनस एच से a प्लस एच, ये पॉइंट किसका हो गया? लोकल मैक्सिमा। और सिमिलरली a माइनस एच से a
ए से ए प्लस एच, अगर एफ डैश है नेगेटिव है पॉजिटिव है बताओ, नेगेटिव है क्या होगा बोलो, तुमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बावजूद एक कंटिन्यूस बनने के बाद हर बार मैंने फिगर कैसा बनाया ताकि देखने में कैसा लगे, ताकि देखने में कैसा लगे बताओ, नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि स्लोप जो होता है ना धीरे 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 उसके अबाउट चेंज होता है, एक पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल है, इसका बेसिक ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जो स्लोप है ना वो धीरे 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 चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, यहाँ पे वापस कंटिन्यूअस है ना, है ना, आई होप सबको क्लियर है। अगेन क्या गया बोलो, लोकल क्या गया, लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मैक्स, हाँ। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या है? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की डेफिनेशन क्या है बताओ? इन अ नेबरहुड वो में वो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी वाली सबसे बड़ी उसको इससे अंतर नहीं पड़ता है घट के बड़ी है कि छट के बड़ी है ना, उसको किससे मतलब है कि वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अरे बात चमक रही है क्या? हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है, कॉपी करिए इस चार्ट को।
कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। अरे सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। तब लास्ट पार्ट कौन सा बचा? नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डेरिवेबल, ठीक है। तो अब कैसे करें बताओ? अगर नॉट कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल है तो अपनो एफ डैश है तो भूल ही जाए, है ना? कैसे करें बताओ? नॉट कंटिन्यूअस नॉन डेरिवेबल है तो अब कैसे करेंगे बोलो? नो कमेंट। अगर नॉट कंटिन्यूअस नॉन डेरिवेबल है तो हाउ डू यू कमेंट, टेल मी। तो लेट्स सी ना, एसएमआई के लिए क्या बोलोगे? लेट्स सी व्हाट कैन यू से टू मी। अच्छा बोलो, एसएमआई के लिए क्या बोलोगे? नॉट कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल है, बोलो। कम ऑन, गिव मी द कंडीशंस ना। नॉट कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल, कौन से कंडीशन अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी? कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो कि चेक भी किया जा सकता है? ऑब्वियसली आपको तो ये करना ही पड़ेगा, ये तो आप इससे नहीं बच सकते हो। ए माइनस एच से ए में और ए से ए प्लस एच में, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है ना। अब बताओ व्हाट कंडीशन अब इंपॉर्टेंट हो जाती है? सर इसका मतलब हाँ, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है ना। अब जो मेरा एफ ऑफ ए रहेगा उसको कहाँ फंसना पड़ेगा? मैनुअली, ये चीज हमको मैनुअली करनी पड़ेगी लिमिट लगा के। कैसे करेंगे बताओ? इस वाले को a प्लस से छोटा और इस वाले को a माइनस से बड़ा, और ये आपको कैसे करना पड़ेगा? मैनुअली या ग्राफिकली या सिंपल सी बात है लिमिट। अरे ये बात चमकती है क्या कि आपका जो f ऑफ a रहेगा वो कहां से कहां लाई कर सकता है? इसी में लाई कर सकता है ना, अगर उसको एसएमआई होना है तो। हाँ सर। हेलो, अरे बेसिक डेफिनेशन याद रखना। अभी आज थ्योरी खत्म करता हूं मैं, तीनों लेक्चर एक साथ बैठ के एक बार सुनो। एसएमडी में क्या आएगा बताओ, बोलो। ए माइनस एच से ए, ए से ए प्लस एच, हाँ बताइए। एफ डैश, बोलो। नेगेटिव, नेगेटिव क्या है? सफिशियंट है ना? सफिशियंट नहीं है ना। क्या अपना एफ डैश, अपना एफ ऑफ ए को कहां लाई करना पड़ेगा? यहां पर ना। तो अपनी कौन सी कंडीशन, जो कंडीशन बाकी दो केस में क्यों नहीं फंस रही थी, ये कंडीशन बाकी दोनों में क्यों नहीं फंस रही थी बताओ? कंटिन्यूअस था ना, तो हम लोग उसको मैन्युअली चेक ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो ही हम लिमिट लगाने जाते वैल्यू क्या हो जाती? बराबर हो जाती। बट अभी तो बराबर नहीं होगी ना। अरे ये बात चमकती है सर। अरे ये क्लियर है क्या? सर वो क्या ले, कैसे मैन्युअली लिमिट? मैन्युअली चेक करना मतलब लिमिट लगा के। ओके सर, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मैक्सिमा मिनिमा में क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं क्या? हैं? लोकल मैक्स, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा में कुछ बोल सकते हैं क्या? हमें तो वो डाउटफुल लग रहा है, कुछ बोल पाएंगे क्या अपन बताओ? तो मैथमेटिकली कुछ बोल पाएंगे कि हर बार हम लोग को ग्राफिकली ही अप्रोच करना पड़ेगा? सोच के बताओ। पॉसिबल है क्या लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे कमेंट कर पाना डायरेक्टली एफ डैश से किसी भी हालत में? नहीं है ना, देखो ना। नहीं, ये पॉइंट किसका है? लोकल मिनिमा, ठीक है। आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो ना। और ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट किसका है? लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट किसका है? लोकल मैक्सिमा। चमक रहा है, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे ना इस केस में तो, है ना? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट किसका बोला तुमने? लोकल मिनिमा, लोकल मैक्स, लोकल मैक्स। बताओ ये पॉइंट किसका है, बोलो। लोकल मैक्स। कुछ बोल नहीं पा रहे ना यार, कुछ बोल ही नहीं सकते है ना। ये बताओ,
बोलो लोकल मैक्स ना कैसे भाई, सिंपल सी बात है यार, कि यहां से लेके यहां तक के इंटरवल में तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ही है ना, अपने को क्या मतलब था कि इंटरवल मिल जाए जिसके बाद तो मैक्सिमम है ना जी, ये सारे से तो मैक्सिमम है कि नहीं है वो, बोलो है ना। हाँ तो सर। हम लोग कभी भी कुछ भी डेरिवेटिव से कमेंट इस केस में नहीं कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव से वी कैनॉट कमेंट, ये बात समझती है। तो इस केस में मैं लिख दे रहा हूं यहां पे नॉन कंटिन्यूअस नॉन डेरिवेबल केस में ग्राफ इज बेस्ट वे टू अप्रोच। सारे ही केस में, बिकॉज इसमें भी आप ये करके फाइनली आपको एफ ऑफ ए को घुमाना पड़ता है इससे बीच में। अरे ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? हाँ सर। तो आपको यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा ना एफ ऑफ ए माइनस, ये चमकता है ना, एफ ऑफ ए माइनस का मतलब क्या होता है, लिमिट की बात हो रही है ना यार। अच्छा ये समझ में आया, इक्वलिटी क्यों मार दी मैंने, वो लिमिट लगाओ तो इक्वलिटी हो ही जाएगी ना, जब यहाँ का लिमिट लगाओगे और एफ ऑफ ए को यहाँ फंसाओगे तो लिमिट ही वैल्यू है ना उसकी, है कि नहीं? इसलिए इक्वलिटी लगा दी मैंने, ये बात चमकती है। ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ, लॉजिक में जाओ, लॉजिक क्या है, लॉजिकली इट शुड बी वेरी क्लियर, लॉजिकली इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। लॉजिक में डाउट है लॉजिक पूछो मुझसे।
अरे कॉपी हो गया क्या? सर सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी विल कम क्लोजिंग द इंटरवल्स। ठीक है, तो क्लोजिंग द इंटरवल्स में ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आई गई कि एफ डैश ए जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन वहां पे कांस्टेंट है। एक पूरे इंटरवल में एफ डैश जीरो होता है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लोजिंग द इंटरवल्स आई मीन टू से कि जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फंक्शन की मोटोसिटी कमेंट करनी है। ठीक है, याद है मैंने क्या कहा था? छोटे छोटे इंटरवल में बांट दो, छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दो, है ना? हाँ सर। अरे हेलो, और कहाँ? और छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दो जहां पे वो कैसा है, कंटिन्यूअस और डिफ्रेंशिएबल है। और फिर मैंने कहा था कि जहां जहां पे एफ डैश जीरो है वहां पर भी बांट दो। ये बात ध्यान है? हाँ सर। अब मैं पूरे को उल्टा जा रहा हूं, मैं कंबाइन करूंगा। ठीक है, सो हाउ डू वी कंबाइन द इंटरवल, हाउ डू वी कंबाइन द इंटरवल। ठीक है, मुझे मान लो कि ए से बी और बी से सी में मुझे कुछ मालूम है। मान लो यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ए से बी में इंक्रीजिंग है और बी से सी में इंक्रीजिंग है। ठीक है, और बी पे अब आपको इन्फॉर्मेशन लगेगी ना, बी पे कंबाइन। अगर मुझे ए से सी में कमेंट करना है तो आपको बी पे इन्फॉर्मेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कंबाइन करने के लिए आपको बी पे इन्फॉर्मेशन लगेगा ना? क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा बताओ? कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं। उससे पहले अपन अगर अगर इन्फॉर्मेशन की बात भी करें यहां पर, तो सिंपल सी बात है ना, चलो बी से सी भी हटा देता हूं मैं। तो अगर मुझे ये करना है, ए से बी में मुझे मालूम है, ठीक है, और मुझे ए से बी क्लोज पे बात करनी है, तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन ए से बी क्लोज, बताओ कैसे कमेंट कर सकता हूं? बोलो बोलो, क्या करना, क्या क्या होना पड़ेगा मुझे, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे एक ही चीज चेक करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, एफ डैश बी कहां से आ गया, वो तो पॉइंट ही नहीं है। मुझे एक ही चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या चीज, कि जो एफ ऑफ बी माइनस है वो क्या है, छोटा या बराबर है एफ ऑफ बी से। अगर एफ डैश बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस जो है एफ ऑफ बी से छोटा या बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? फंक्शन इज मोनोटोनिक इन, अरे ये बात चमक रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बी पे इंटरवल क्लोज कर दिया ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तुम ध्यान दो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करो। ऐसा ग्राफ है, ये अपना ए से बी में बात हो गई, ध्यान देना, ये मेरा ए से बी में बात हो गया। मैं ए से बी क्लोज में बात करना चाहता हूँ, मैं ए से बी क्लोज में बात करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ करने को बोलो? तो अगर ए से बी क्लोज में बात करनी है तो सिंपल सी बात है ना, क्या होना पड़ेगा एफ ऑफ बी माइनस को? एफ ऑफ बी माइनस यहां से यहां कहीं भी हो सकता है ना एफ ऑफ बी। अरे ये बात चमकती है क्या, एफ ऑफ बी यहां से यहां कहीं भी हो सकता है ना? हाँ या ना? हाँ सर। एफ ऑफ बी यहां से यहां तक कहीं भी हो ना, फिर भी वो फंक्शन ए से बी में क्या रहेगा, हमेशा मोनोटोनिक रहेगा ना। ये बात चमक रही है, तो आपको खुद से ही सोच के बनानी पड़ेगी ये चीज। मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन ए से बी में एस एम आई है तो मैं क्या बोल सकता हूं बोलो? ए से डी में एस एम आई बोल सकता हूं। अरे ये बात चमकती है क्या सर? वो क्लोजिंग ऑफ द सर, वो मैक्सिमम इन ए कॉमा बी है क्या सर? वो क्या 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 नहीं सर, वो ए कॉमा बी से एरो मार्क, हाँ वो वाला पार्ट, एफ इज मैक्सिमम ऊपर।
हाँ एफ ऑफ बी कहीं भी रहे, ये तुम्हारा एफ ऑफ बी माइनस का लिमिट है, उसके ऊपर एफ ऑफ बी कहीं भी रहे हर बार आप इंटरवल क्लोज कर सकते हो ना। मैं वही बोल रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर फंक्शन बी पे कंटिन्यूअस है एंड ए से बी में इंक्रीजिंग है एंड बी से डी में इंक्रीजिंग है, तो मैं इंटरवल को क्या कर सकता हूँ, कंबाइन करके कमेंट कर सकता हूँ। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे हेलो, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। इसको आपको फिजिकली फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकली सोच पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राफिकली व्हाट डू आई मीन टू से, कि भाई सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फंक्शन को एनालाइज करना है, तो मैंने कहाँ कहाँ ब्रेक कर दिया फंक्शन को, मुझे मैक्सिमम मुझे मोनोटोनिसिटी कमेंट करनी थी, मैंने कहाँ कहाँ ब्रेक कर दिया, याद है? जहां जहां पे सारे सारे छोटे छोटे इंटरवल में जहां पे वो क्या था, डेरिवेबल था, फिर उस वाले इंटरवल को मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक कर दिया, जहां जहां पे एफ डैश जीरो है। तो अब ए से बी एक छोटा सा इंटरवल अगर है मेरे पास, ए से बी एक छोटा सा इंटरवल है मेरे पास और बी से डी एक छोटा सा इंटरवल है और दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है और फंक्शन बी पे कंटिन्यूअस है, तो मैं क्लोज कर सकता हूँ ना मोनोटोनिसिटी को, बताओ? हाँ सर। अरे यही तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, श्रेया क्लियर है ये? हाँ सर। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, एंड ऐसा नहीं एस एम आई के लिए ही है, एस एम डी के लिए चलेगा ना, एंड मोनोटोनिक, एंड मोनोटोनिक इन ए से बी, देन दैट इंप्लाइज क्या बोल सकते हैं, वी कैन से, बोलो इट इज, अरे हेलो, वी कैन से इट इज मोनोटोनिक इन ए से बी क्लोज्ड। अरे बात चमक रही है क्या, कि इंटरवल्स की क्लोजिंग की बात हो रही है इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो हमको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है पूरी कहानी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कभी भी इंटरवल, हम लोग हमेशा डेरिवेटिव की जो बात कर रहे हैं वो हमेशा एक ओपन इंटरवल में बात की है, एंड पॉइंट्स पे हम बात नहीं कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की, वहां पे हमेशा हम कुछ और काम कर रहे हैं। ये बात चमकती है क्या, इंटरवल क्लोजिंग का पार्ट अच्छे से क्लियर है क्या? हाँ सो। ये समझ में आया क्या, अगर फंक्शन ए से बी क्लोज में कंटिन्यूअस है और मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब एस एम आई या एस एम डी है इन ए से बी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज मोनोटोनिक इन ए से बी क्लोज्ड। अरे उतना दिखा है ना कि यहां से यहां बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू को वहीं पे भरना पड़ेगा ना तुमको, अगर वहां भरोगे तो वही वाली मोनोटोनिसिटी क्या रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी ना। हाँ सर। अरे बात चमकती है क्या? हाँ सर। सभी लोगों को क्लियर है यहां तक क्लोजिंग द इंटरवल्स? कॉपी करो।
कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। अरे चीज क्लियर है क्या? रब करें। अच्छा हेलो रब करें। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करता हूं मैं, देखते हैं क्या। आपने ऑलरेडी रेंज में कर रखा था, बस उसी का मैंने टेक्निकली ये सब चीज खत्म किया। ऑलरेडी आपने कर रखा था ग्राफ राफ, रेंज में आप निकालते थे। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ते हैं पहले। वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y is equals to x cube, इसकी मोनोटोनिसिटी देखनी है। ठीक है, तो कैसे देखोगे? f dash x निकालोगे, कितना है f dash x बताओ? 3x square, तो क्या मालूम चलो बताओ? जीरो, यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव। अरे भाई यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो माइनस इन्फी से जीरो में क्या हो गया? इंक्रीजिंग, और जीरो से इन्फी में क्या हो गया? इंक्रीजिंग। अभी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो आप सीधा क्या बोल सकते हो? माइनस इन्फी से इन्फी में इंक्रीज। ये बात चमकती है? अरे ये बात चमकती है क्या? y इज इक्वल्स टू लेट्स टेक साइन 3x, साइन 2x ले लो, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, और देखा जाए क्या हो रहा है। बोलो f डैश क्या लिखोगे? 2 cos 2x, f dash क्या लिखोगे जी? 2 cos 2x लिखोगे? हाँ सर। अब जरा साइन के बारे में कमेंट करें, इसका कैसे करेंगे बताओ? इसका साइन स्कीम लिखना आता है हमको? f dash 2 आपको सिखाया था ना फंक्शन के वक्त, या उस वक्त भी, कि हमको देखना पड़ता है ना कहाँ कहाँ पे कैसा बिहेवियर रहेगा इसका, है कि नहीं? इसका साइन स्कीम कैसे देखेंगे 2 cos 2x का? एक बार में देखना चाहते हो कि ब्रेक करके देखना चाहते हो बताओ? हेलो, अरे इसका साइन स्कीम कैसे देखेंगे बॉस बताइए? हेलो 2x इंटरवल में देखेंगे। हाँ 2x में देख सकते हो, ये इतना कठिन क्यों कर रहे हो भाई? 2 cos square x minus 1 ऐसे कर, कैसे भी करो ना, क्या अंतर पड़ता है? क्या आ रहा है बताओ? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं बताओ? इसके एक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं बोलो? एफ डैश के माइनस वन बाय रूट टू और प्लस माइनस वन बाय रूट टू, है ना? क्या क्या आ गया? प्लस माइनस प्लस, है ना? ये एफ डैश का है ना साइन स्कीम? अरे हाँ, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंगली तुमको उसको एक्स में, इस इंफॉर्मेशन को तुमको एक्स में मैप करना पड़ेगा ना। एक्स में इंफॉर्मेशन कैसे मैप होगी बताओ? एक्स में ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है, इसको सीधे x में कैसे मैप करें बताओ? इस इंफॉर्मेशन को सिंपल सी बात है, जहां पे जीरो हो रहा है ना उसके, तुम देख लो कि जीरो से पाई में, जीरो से पाई की बात हो रही है ना, जीरो से पाई में हमारा ये वैल्यू कहां से कहां गया है 2x का? जीरो से 2 पाई गया है ना। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? पहले काम करते हैं, पहले यहां तक एड्रेस आ गया, बोलो हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अभी इसका अभी साइन देखना पड़ेगा, क्या मालूम चला बताओ? तो अपन कॉस का ग्राफ बना लेंगे, कॉस का ग्राफ बना लेंगे, जीरो से पाई में हम बात कर, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो जीरो से पाई हमारे पास है एक्स, जरा देखो बताओ तो क्या बता रहा है इंफॉर्मेशन बोलो? माइनस वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू, है ना? तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया बोलो? और 3π/4, है ना? 5/4 और 3π/4, तो क्या मालूम चल रहा है इससे बताओ?
वो क्रिटिकल पॉइंट्स x के टर्म्स में। हाँ तब तो अपन देख सकते हैं ना भाई, अपन सिंपल सी बात है अगर इस वाले इंफॉर्मेशन को x में चेंज करे तो क्या आ रहा है, माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू में, माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू में ये हमारा नेगेटिव माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस वन पे ब्रेक हो गया ना, तो क्या आ जाएगा बताओ फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, इसको एंगल में चेंज कर सकते हो ना इस ग्राफ से देख के, जीरो और पाए लिख देंगे फिर। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो सॉरी मैं रब क्यों किया यार, अरे यार ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, दिस इज वन बाई रूट टू, दिस इज माइनस वन बाई रूट टू, फाइन दिस इज जीरो, दिस इज माइनस वन, सो वॉट कैन आई से हाउ टू कमेंट ऑन दिस, आई कैन कमेंट ना इजिली, this is how much, this is pi by 4, this is how much, this is 3 pi by 4, so what can I come and tell me ki bhai minus 1 se minus 1 by root 2 mein negative hai na, so what can I come and tell me 3 pi by 4 se boliye pi mein kaisa hai, decrease positive hai, positive hai, fir bolo 0 se pi by 4 mein kya hai, positive hai, aur kahan positive hai, पाई बाई फोर से, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई फोर में क्या है नेगेटिव है, फिर बोलो क्या है थ्री पाई बाई फोर से बोलो पाई में कैसा है, पॉजिटिव है, अरे बात चमकती है, हमको आ गया ना क्या मालूम चला बताओ कि जीरो से सर पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर में कैसे नेगेटिव, हाँ हाँ सर समझा, इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकता है यार, अरे ये क्लियर है क्या, तो फिर इससे क्या आ गया जीरो से पाई बाई फोर में क्या आ गया फंक्शन इंक्रीजिंग, पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर में क्या आ गया बोलो डिक्रीजिंग, और फिर थ्री पाई बाई फोर से पाई में क्या आ गया इंक्रीजिंग, और बाकी सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो आप क्या कर सकते हो इंटरवल्स को कंबाइन, फंक्शंस आपके कैसे हैं कंटिन्यूअस है ना बॉस, व्हाट कैन यू डू, यू कैन कंबाइन द इंटरवल, अरे ये बात चमकती है क्या, ठीक है वैसे तुम चाहो तो सीधा भी कर सकते हो ना, यहाँ से सीधे ही क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दो इस इंटरवल से, बोलो क्या है क्रिटिकल पॉइंट, cos x equals to plus minus 1 by root 2 ना, मतलब pi by 4 और 3 pi by 4, pi by 4 ये चमकता है, और आपका 0 का ये आ गया और यहाँ पे आपका pi का आ गया, ओके अब डाल के कहीं पे साइन चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डाल के इसमें साइन चेक कर लो, डाल दो 0, 0 पे क्या आ रहा है साइन इसका पॉजिटिव, 0 पे क्या आ रहा है साइन पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम चीज आ गया ना यहाँ से जो बात की थी, अरे बात चमकती है, अरे ये चीज क्लियर है क्या, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री वाले में फंसोगे हमेशा, ध्यान रखना ढंग से करना चाहिए, ऐसे करना है ऐसे करो, ग्राफ से करना है ग्राफ से करो, डायट एंगल से करना डायट एंगल से करो, ये बात चमकती है क्या, पक्का कॉपी करो, मैं तुमको सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, मैं इंटरवल चेंज कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, जरा आप सॉल्व करना,
अरे हो गया क्या? क्या इंटरवल्स? वाई डैश कितना आया? सब कुछ सेम आएगा, 2 cos 2x यहाँ पे आ जाएगा, 2 cos²x - 1 है ना। अब बताओ देन 0 से π/4 इंक्रीजिंग, π/4 से डिक्रीजिंग। अब देखो क्या है ना कि या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, इस इंटरवल में देख लो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट है बताओ सीधा। इस इंटरवल में 0 आया, 0 तो क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, 0 तो एंगल का क्लोजिंग पॉइंट है, 0 फिर ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, कहीं ये जो है साइन निकाल के बाकी सारे साइंस अल्टरनेटली वेरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस बोल रहे हो ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सिंपल सी बात करनी है, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो सारे एंगल्स में तो हमेशा पहले ऐसे कर लो और फिर इसको एंगल्स में चेंज कर लो, ये बात चमकती है? हाँ सर। और इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, होमवर्क लिखो 6.2 एनसीईआरटी का 6.2। ठीक है, 5.8, 6.2, 5.8, 6.4, 6.4 इतना क्लियर है? हेलो, ठीक है, फाइन। कल तुम लोग क्लास है क्या? नहीं है ना? नहीं नहीं है सर। जो अभी होमवर्क बहुत सिंपल सा होमवर्क दिया कल, मेरी भी क्लास नहीं है, ठीक है, कल एक काम करेंगे 8:30 से 9:30 में इसको डिस्कस कर देंगे ताकि अगला होमवर्क दे पाऊं मैं, ठीक है। इतना करके आओ कल, बस 3 एक्सरसाइज दिया है, फटाफट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने ध्यान भूल, क्या क्या बोला था, बोलो मैंने 5.8, 6.2 और 6.4। हाँ, ये तीनों एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यही जो पढ़ाया है अभी उस पे है, बिल्कुल आराम से सोच के करके आओ, ठीक है, रात को टाइम दो। हाँ हाँ, रात को, ठीक है, चलो।